हेलो गाइज, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज हम आए धन्ना भगत के मंदिर पर। तो गाइज ये है राजस्थान के टोंक ज़िले में और ये बहुत ही फेमस मंदिर है और ये मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है पास में और एक और बाबा जी जिनका ये यहाँ पर एक प्रवचन का ये बना हुआ है डेरा। और अपन चलते हैं अभी गुरुद्वारा और गुरुद्वारे के पास में ही धन्ना भगत का मंदिर है तो वहाँ चलते हैं। पहले तो धन्ना भगत के मंदिर चलते हैं फिर आपको गुरुद्वारा दिखाएंगे। तो गुरुद्वारे में क्या है गाइज, कैमरा अलाउ नहीं है तो आपको बाहर से दिखा सकते हैं गुरुद्वारा। तो चलते हैं। गाइज आ गए हम मंदिर और यहाँ पर पास में गुरुद्वारा भी है, वो गुरुद्वारा इधर है तो अभी गुरुद्वारा भी चलेंगे, इधर पीछे है। तो गाइज यहाँ पे गुरुद्वारा का सीन तो आपसे बाहर से दिखा पाएंगे क्योंकि अंदर अलाउ नहीं कैमरा। और इधर धन्ना भगत का मंदिर है तो पहले चलते हैं धन्ना भगत का मंदिर देखने। तो चलते हैं। तो गाइज ये है धन्ना भगत जी का टेम्पल। तो ये धन्ना भगत जी की प्रतिमा है बनी हुई यहाँ पर और बहुत ही अच्छा मंदिर है गाइस। अंदर से देखिए आप पूरे में एकदम बहुत अच्छे से कांच जड़ा गया पूरे में। ऊपर भी देखिए गाइस, ऊपर देखिए आपने, ऊपर देखिए कितने अच्छे से जड़ा गया है इसमें कांच। और ये मेरे पीछे भी देखिए गाइस, इधर भी अच्छे से कितना मस्त डिजाइन बनाए रखी है। और ये धन्ना भगत जी की प्रतिमा है। तो मेरा दोस्त यहाँ से गाइस कुछ किलोमीटर की दूरी पर मेरा दोस्त रहता है तो मैं उसे लाया हूँ गाइस शाम को और वो आपको यहाँ के बारे में बताएगा गाइस कि यहाँ के बारे में क्या क्या खास है तो वो बताना चाह रहा है आपको। हेलो, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और ये दीनदयाल जी हैं जो टोंक से आए हैं और ये मुझे भी लेके आए हैं कि आप इसके बारे में बताइए। तो देखिए, जो धन्ना भगत का जो मंदिर है ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और धन्ना भगत एक बहुत बड़े संत थे और जाट किसान परिवार से थे। और यहाँ पर इनकी एक किंवदंती है या फिर आप कहावत कहो या फिर लोगों के द्वारा गढ़ी गई रचनाएँ या फिर सच्चाई कहो, बात ये कि जैसे कि धन्ना भगत जो हैं उनके बहुत ही दान प्रिय थे। तो एक बार क्या है कि यहाँ साधु आया एक, यहाँ पर इनके मतलब मांगने के लिए, भिक्षा लेने के लिए आया। तो धन्ना भगत के पास में एक टाइम का ही खाना था तो इन्होंने जितना भी अपना नाश्ता या जो भी अपने पास रखा हुआ था उसको दान दे दिया। तो इसके परिवार जो है, इसके परिवार के ऊपर संकट आ गया कि ये खाना कैसे खाए, अब कैसे अपने जीवन यापन करे। तो उसके बाद में जो साधु था उसने खुश होकर इसको तुम्बे के बीज दिए बहुत सारे। तो धन्ना भगत जो है वो तुम्बे के बीज ले लिए उन्होंने और धन्ना भगत जी के मन में थोड़ा सा तो ये आया होगा कि यार तुम्बे के बीज दिए हैं अपने को, तो उन्होंने तुम्बे के बीज जो है अपनी ज़मीन में बो दिए जैसा कि साधु ने कहा ही था। उसके पश्चात जो है इन्होंने उसकी देखरेख की और अच्छी तरह से की, इन्होंने सारे तुम्बे इकट्ठे कर लिए। इकट्ठे करने के बाद में घर आके उनको देखा और उनको फोड़ा तो उनमें जो है हीरे मोती निकले इनके पास में बहुत ज़्यादा। और ये इस तरह की एक रचना है। दूसरी चीज़, दूसरी इसके बारे में प्रसिद्धि ये है कि ये जो है हठ योग के प्रवर्तक संत माने जाते हैं। जैसे कि हठ योगी होता है कि जैसे अगर कोई आप जो भी चाह रहे हो या भगवान से चाह रहे हो तो उसको साक्षात भगवान को आके आपको वो देना पड़ेगा जो आप चाह रहे हो। जैसे कि इनकी इच्छा थी कि भगवान जो है वो साक्षात इनके साथ में भोजन करे या फिर इनके साथ में बैठ करके खाना खाए, तो इन्होंने जो है वो हलवा जो भी बनाया और भगवान के सामने परोसा। और तब तक भगवान आकर के खा नहीं लेते तब तक इन्होंने अपना जो है भूख प्याक आमरण अनशन पर बैठ गए लगता है। तो इन्होंने ऐसा किया और उसके बाद में साक्षात भगवान आए और इनके सामने भोजन किया। ये यहाँ की मान्यताएँ हैं, इसमें सच्चाई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये जो कहावतें हैं या जो आमजन के मन में प्रचलित हैं वो हमने आपको बताया। ये इसका इतिहास है और आगे आप मंदिर देख सकते हो।
गाइज ये था धन्ना भगत जी का मंदिर। तो गाइज घनश्याम ने आपको बताया यहाँ के बारे में, बहुत ही अच्छे से समझाया आपको। तो गाइज यहाँ के बारे में बहुत, ये मंदिर राजस्थान फेमस है, इसका राजस्थान जीके में भी इसका नाम आता है इस मंदिर का। और इसे कहा जाता है कि जो धन्ना भगत है उन्होंने राजस्थान में, मतलब जो पहले भक्ति का जो अलख जगाया वो इन्होंने, धन्ना भगत जी ने जगाया, ऐसा कहा जाता है। गाइज ऐसा है धन्ना भगत जी का मंदिर। और गाइज यहाँ पर पास में एक गुरुद्वारा भी है गाइज, तो वो गुरुद्वारा अभी दिखाएंगे आपको। ये देखिए मेरे पीछे उस पल्ली साइड है, रोड के पल्ली साइड है, तो उधर से अपन देखते हैं गुरुद्वारा भी देखते हैं अभी। तो गाइज ये है गुरुद्वारा, और गाइज ये राजस्थान में बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है, और यहाँ पर प्रोग्राम भी होता है कई बार। सिख समुदाय के लोग बहुत ही ज़्यादा तादाद में आते हैं गाइज, और यहाँ पर मेला लगता है उनका, सिख समुदाय का। तो गाइज ये ऐसा है, अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो मैं अंदर नहीं जा सकता, तो यहीं से आपको दिखा सकता हूँ, थोड़ा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ गाइज। बहुत ही अच्छा गुरुद्वारा है। तो गाइज फिलहाल इस वीडियो में इतना है गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़रूर कुछ अच्छा या कुछ नया देखेंगे अगले वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है गाइज़।